हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। अ मशीन हैज 24-bit इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इट हैज 32 रजिस्टर्स ईच ऑफ विच 32-bit लॉन्ग, इट नीड्स टू सपोर्ट 49 इंस्ट्रक्शंस, ईच इंस्ट्रक्शन हैज 2 register operand and 1 immediate operand. If the immediate operand is a signed integer, then the value of the immediate, minimum value of the immediate operand is, and these are the 4 options. तो सबसे पहले अगर हम बात करें instruction का format जो है, instruction के format में by default जो दो चीजें important है, वो है opcode and operand. opcode का मतलब क्या होता है कि actual में हमें काम क्या करना है, मतलब हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस, एडिशन, जो भी हमें शिफ्ट करना है, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट। और ऑपरेंड का मतलब है डेटा, जो डेटा आप ढूंढ रहे हो, जिस डेटा के ऊपर काम करना है वो डेटा एक्चुअल में क्या है। और उस डेटा को पता लगाने के लिए हमारे पास डिफरेंट एड्रेसिंग मोड होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑपरेंड को फाइंड आउट करने में। तो ये जो बेसिक जो है वो ऑपकोड और ऑपरेंड होते हैं। लेकिन इसके बाद इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जिसमें 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जहां पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकता है एक से ज्यादा ऑपरेंड भी हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेंड है, लाइक 2 रजिस्टर ऑपरेंड है और एक इमीडिएट ऑपरेंड है। और ये 0 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है विद एग्जाम्पल, और उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार वो वीडियोस भी जरूर चेक कर लें ताकि आपको डिटेल में टॉपिक के बारे में पता लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आपको क्वेश्चन भी जो है इजीली समझ आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो जो मशीन है 24-bit इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसका जो साइज है वो कितना है, 24 बिट। अब 24-bit इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वो क्या बोल रहा है कि ईच इंस्ट्रक्शन हैज 2 रजिस्टर ऑपरेंड एंड 1 इमीडिएट ऑपरेंड, मतलब जो हमारे पास एड्रेस है यहां पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तरह है। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से, मैं लिख सकता हूं एड R1 R2 एंड लेट से मैं यहां पे कोई वैल्यू ले लेता हूं 50। इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 रजिस्टर ऑपरेंड है, मतलब हमारे पास 2 रजिस्टर्स यहां पे हमने यूज किए हैं। जिस ऑपरेंड को आप ढूंढ रहे हो सकता है वो इस रजिस्टर के अंदर है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो हमने यहां पे डिस्कस नहीं करना, लेकिन हर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 रजिस्टर्स के नंबर है और एक इमीडिएट ऑपरेंड है। इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब डायरेक्ट वैल्यू जो है, डायरेक्ट कांस्टेंट जो है वैल्यू हमें यहां पे दी हुई है, तो उसको हमने यहां पे यूज करना है। अब इस इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले है हमारे पास ऑपकोड, कुछ बिट्स जो है वो क्या डिनोट कर रही है, ऑपकोड। उसके अलावा हमारे पास यहां पे है रजिस्टर्स ऑपरेंड 1, मतलब पहले रजिस्टर का ऑपरेंड, फिर एक और ऑपरेंड है, मतलब वो कौन बता रहा है, वो रजिस्टर 2। यहां पे क्या दिया हुआ है, ईच इंस्ट्रक्शन हैज 2 रजिस्टर ऑपरेंड, तो ये ऑपरेंड 1 हो गया जो रजिस्टर 1 में मिलेगा, ये ऑपरेंड 2 हो गया जो रजिस्टर नंबर 2 में मिलेगा। रजिस्टर 2 का मतलब है, मैं अभी यहां पे आपको डिटेल में बता रहा हूं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, इमीडिएट ऑपरेंड की वैल्यू, इमीडिएट ऑपरेंड है यहां पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपकोड की, ऑपकोड का यहां पे मतलब क्या है कि हमने कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया एडिशन है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, शिफ्ट ऑपरेशन है। तो यहां पे क्वेश्चन में देखो, इट नीड्स, जो मशीन है वो सपोर्ट करती है 49 इंस्ट्रक्शन को। 49 का मतलब है कि 49 ऑपकोड को बनाने के लिए, मतलब आपके पास नंबर ऑफ ऑपकोड कितने हैं, 49। मशीन इतने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, तो 49 को अगर हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हमेशा हमें यहां पे 2 की पावर में रिप्रेजेंट करना होता है। तो 2 की पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं 2^5 लेता हूं तो वो कितना आएगा, 32, मतलब 32 इंस्ट्रक्शंस को हम यहां पे सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में 49 दिया हुआ है, तो यानी 2^6 लेना पड़ेगा, विच इज 64। तो ठीक है, कुछ बिट हमारे पास रिजर्व है, वो हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास ऑपकोड की वैल्यू जो है वो कितने बिट की आ गई, 6 बिट की।
क्योंकि 2^6 मतलब 64, तो 64 जो है वो 49 से ज्यादा बड़ा है, तो यानी 32 में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 6 पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑपकोड की वैल्यू आ गई 6। देन जो हमारे पास रजिस्टर है, मतलब जो ऑपरेंड 1 हमें मिल रहा है वो किसी ना किसी रजिस्टर में होगा, लेकिन किस रजिस्टर में होगा ये एक्चुअल में कहां से पता लगेगा, नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे पास कितने हैं, 32 रजिस्टर है। 32 रजिस्टर का मतलब है 0 से लेके हमारे पास टोटल 31 नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे, 0 से 31 मतलब 32 नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे। अब इतने रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी, अभी तो हमने बताया 2^5, 2^5 क्या होता है 32, मतलब 5 बिट आपकी लगेंगी ऑपरेंड 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ऑपरेंड 1 कहां है, रजिस्टर नंबर कोई भी रजिस्टर में हो सकता है, इनमें से कोई भी रजिस्टर में हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं आपके 32, तो 32 का मतलब है 0 से 31, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी, 5, मतलब 00000 पहला रजिस्टर हो गया, 11111 लास्ट रजिस्टर का नंबर हो गया, तो इनमें से कहीं पे भी ऑपरेंड हो सकता है, तो यानी 5 बिट में हमने पहले ऑपरेंड को रिप्रेजेंट कर लिया। अब एक और रजिस्टर ऑपरेंड है, तो यानी एक और ऑपरेंड है वो भी इन्हीं किसी ना किसी रजिस्टर में होगा, तो यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी मेरे को कितनी बिट लगेंगी, 5, क्योंकि उसका एड्रेस यहां पे देना पड़ेगा, और एड्रेस कितनी बिट का है, 5 बिट का, ये एड्रेस भी कितनी बिट का है, 5 बिट का, ऑपकोड के लिए हमारे पास कितनी बिट है, 6 बिट है, तो यानी मेरे पास टोटल कितना हो गया, 6+5 11+5 16, तो टोटल जो साइज है वो 24 बिट है, तो यानी आपका इमीडिएट ऑपरेंड कितने टाइप कितने साइज का आया, 8 बिट का आपका इमीडिएट ऑपरेंड, कैसे, 24 माइनस हमने इसको ऐड कर दिया 6+5+5, ये आपके आ गया 11+5 16, तो 24 माइनस 16 करोगे तो 8, यानी आपका जो इमीडिएट ऑपरेंड है उसका साइज जो है वो कितना हो सकता है, 8 बिट का, तो वैल्यू कितनी होगी, अगर 8 बिट साइज है तो वैल्यू कितनी हुई, 0 से 255, टोटल 256 वैल्यूज हो गई, 8 बिट का मतलब है 256, यानी 0 से 255 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन में ध्यान आपको देना है कि साइंड इंटीजर दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमेशा ध्यान से रीड करें, क्योंकि मैं खुद भी अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं फटाफट से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, या कई बार क्या होता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो मैंने पहले दिए हैं उसमें कॉन्फिडेंस में आके कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, हो सकता है कि हम एक ऐसा पॉइंट मिस कर दें और उसी पॉइंट के ऊपर हो सकता है सारा का सारा आंसर आपका बेस हो, और ऑप्शन में भी कई बार ऐसा होता है कि उस टाइप का ऑप्शन होता है कि अगर आप गलत भी सॉल्व करोगे तब भी आपका ऑप्शन वहां पे दिया होगा, तो आप बड़ा ही ध्यान से यहां पे सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो साइंड इंटीजर यहां पे दिया हुआ है, तो साइंड इंटीजर का मतलब है कि नेगेटिव नंबर है यहां पे, लेकिन हमने यहां पे लिया हुआ है 0 से 255 पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर का मतलब है इसको हमने माइनस में भी लेना है, तो माइनस से प्लस तक कितनी रेंज हो गई आपकी, -128 to 127 आपकी रेंज हो गई यहां पे, क्योंकि एक बिट तो आपकी रिजर्व होगी, मतलब 8 बिट है ना आपके पास, तो 8 बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पहली है MSB है ये फिक्स होगी किसके लिए, साइन के लिए, मतलब प्लस या माइनस साइन के लिए होगी, तो यानी आपके पास कितनी बिट बची, 7 बिट, तो 7 बिट में आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, -128 से +127, क्योंकि पॉजिटिव में 0 से 127 आपके 128 नंबर हो गए, और माइनस में -1 से -128 तक आपके 128 हो गए, तो 128 और 128 कितने हो गए, 256 आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि माइनस में जीरो नहीं होता, प्लस में जीरो से हम 127 लेते हैं, तो माइनस में -1 से 128 तक, तो यानी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या पॉसिबल है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -128, अगर आपको यहां पे पॉजिटिव वैल्यू पूछ लें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है साइंड के केस में, तो आप 127 आंसर लगा सकते हो, तो यानी इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा, बी, दैट इज -128।